हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत हमारे चैनल रेडियोलॉजी करियर में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेडियोलॉजी क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं और कौन कौन से कोर्स रेडियोलॉजी से रिलेटेड, मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बता दिया। और आज की वीडियो बहुत ही खास आप लोग के लिए होने वाली है कि आज आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है फ्रेंड, जिसे करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेडिकल लाइन में अपनी लाइफ बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आजकल उसकी डिमांड मेडिकल लाइन में इस कोर्स की बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो चलिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को बिना स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी रेडियोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, आपने इसका नाम सुना होगा, इसको बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। शॉर्टकट में देखें तो इसको हम BMRIT करके भी लिखते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कहीं पे BMRIT करके लिखा होता है। क्वालिफिकेशंस की बात करें यहाँ पे तो आपको 10+2 होना चाहिए, 10+2 ज़रूरी है बहुत ही, जो कि साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना ज़रूरी है। और आपका 50% मार्क +2 में होना चाहिए किसी भी बोर्ड से हो, आपका स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड, यहाँ पे आप कोई भी बोर्ड से आपको पास आउट होना चाहिए। और कोर्स ड्यूरेशन की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स का हो जाता है, कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स का होगा। यहाँ पे लेवल की बात करें, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है ये, जो कि कोर्स टाइप का बात करें तो फुल टाइम सेमेस्टर वाइज कोर्स होता है, 6 सेमेस्टर में बटे होते हैं पूरे कोर्स। सिलेक्शन प्रोसेस देखें, यहाँ सिलेक्शन मेरिट के बेस पर भी होता है, एंट्रेंस के बेस पर भी होता है। एरिया एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यह हॉस्पिटल में, क्लिनिक में और डायग्नोस्टिक सेंटर, लैब, सभी जगह पर रेडियोग्राफर्स की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। और बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद ये सब आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस रेडियोलॉजी की सिलेबस की बात करें, यहाँ पर 3 ईयर ड्यूरेशन में आपको 6 सेमेस्टर मिलेंगे। तो 6 सेमेस्टर में से आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जानेंगे। सबसे पहले आपको पैथोलॉजी पढ़ना होगा, फिर फिजियोलॉजी पढ़ना होगा, एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, जनरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये सभी पढ़ाई आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कर लेनी है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सारे सब्जेक्ट होने वाले फ्रेंड्स। यहाँ पे हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें कि आपको बीएससी रेडियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो ये आपके फर्स्ट ईयर के ड्यूरेशन में ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट ईयर में हो जाएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। फ्रेंड, कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड आएगा जनरल रेडियोग्राफी, और थर्ड आपका आएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, फोर्थ आपका रेडिएशन हैजर्ड्स एंड प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ आप सेकंड ईयर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना होगा CT scan 1, जनरल रेडियोग्राफी सेकंड, मतलब जनरल रेडियोग्राफी सेकंड पढ़ना होगा। अल्ट्रासाउंड फ्रेंड्स आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड्स पढ़ने को मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पे क्लिनिकल भी मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर की बात करें फ्रेंड बीएससी रेडियोलॉजी की, तो सबसे पहले यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएगा एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस आपको पढ़ना होगा, MRI 1 पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने फ्रेंड्स। और अगर जो हम फिफ्थ सेमेस्टर की बात करें कि रेडियोलॉजी की फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ पे आपको MRI 2 पढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट स्कैन पढ़ना पड़ेगा, साथ में CT scan सेकंड आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, डॉपलर एंड इकोग्राफी फ्रेंड्स, जिसे ECG के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आपको ECG भी पढ़ने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अगर हम 6th सेमेस्टर की बात करें फ्रेंड, आपका थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर यहाँ पे हो रहा है, तो 6th सेमेस्टर आपके लिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे इंटरवेंशन इन डायग्नोस्टिक पढ़ने को मिलेगा, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया इन डायग्नोस्टिक एंड साथ में रेडियोलॉजी फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका सेमेस्टर हो जाएगा ख़त्म और आप अपनी बीएससी रेडियोलॉजी कंप्लीट करके कहीं भी जॉब आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपका बीएससी रेडियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा और मार्केट में वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो गई, मेडिकल लाइन में तो बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, बहुत ही बेस्ट चॉइस है आपकी फ्रेंड्स। तो